हे गाइस, स्वागत है आज आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स आज तक इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन इनमें से बहुत ही कम ब्रांड्स, इनफैक्ट शायद अभी ओनली वन ब्रांड है जो कि अभी तक टिक पाया है ठीक से, वो भी कुछ दिन पहले बंद हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स के बारे में। तो एक बात है कि इंडियन ब्रांड्स अभी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक और ब्रांड भी आया था जिसका नाम था लावा, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली ये चीज़ बात करेंगे कि इंडियन कंपनीज़ क्या कर सकती हैं जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स जैसे आगे बढ़ सके। ये बस मेरा जेन्युइन फीडबैक है हर एक ब्रांड की तरफ से। इनफैक्ट चाइनीज़ ब्रांड्स भी अगर इनको फॉलो करेंगे तो इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली एक बेटर बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप पता ही, एक स्मार्टफोन ब्रांड को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब बेसिकली तो बिजनेस ही है और वर्कर्स भी चाहिए। तो वो सब पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट तक आ जाएंगे कि सबसे पहले स्मार्टफोन ब्रांड से एक्सेप्ट होने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन एक पर्टिकुलर कैटेगरी को देखना चाहिए। मतलब सबसे पहले एक प्राइस ब्रैकेट चूज कर लेना चाहिए। तो सपोज मैंने डिसाइड किया मैं 15,000 के आसपास फ़ोन लॉन्च करूँगा, सबसे पहले मुझे उसी कैटेगरी के अंदर और जो भी फ़ोन्स हैं उन सबको ठीक से स्टडी करके देखना पड़ेगा कि क्या फ़ोन्स में क्या है, और हर एक कॉम्पोनेंट के प्राइस को भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे मैनेज किया उसको। तो उसी रेस्पेक्ट में मैं भी प्राइस देख के सब कुछ मैनेज करके, प्रोसेसर वैसे सब कुछ देख के, कौन से ब्रांड का यूज़ करना है सब कुछ बजट में डिसाइड करके, टोटल कंपाइलेशन करके एक प्रोडक्ट निकलता है। तो वो सब हमें सबसे पहले इंडियन ब्रांड्स को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। बट फोन तो बन गया, उसको लॉन्च भी कर दिया, लेकिन लॉन्च करने के बाद सबसे पहले उसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि माइक्रोमैक्स ने किया था, आओ करें चीनी कम, इसमें क्या हुआ, फ़ोन तो अच्छा चला, फ़ोन को ये लोग चाइना के अगेंस्ट में कुछ ना करके वैसे भी लॉन्च कर देते, फ़ोन तो वैसे भी कितना अच्छा था, फ़ोन वैसे भी चल जाता, लेकिन माइक्रोमैक्स ने वो कर दिया। और अभी जैसे ही वो कोई भी गलती करेंगे, सपोज़ कुछ दिन पहले उन लोगों का कोई मेड इन चाइना बैटरी निकला था, तो अभी हर कोई माइक्रोमैक्स को रोस्ट करेगा क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। तो इसीलिए इस टाइप के सेंटीमेंट्स लोगों के अंदर भी जगाना नहीं है। इसी के बोल्ड सा कैप्शन कर देंगे तो बात चल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा सेंटीमेंट, कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटीमेंट की तरफ ना जाना ही बेटर है। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया कितना ज़्यादा महान हो गया है, तो इसीलिए प्रमोशन कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, प्रमोशन कैंपेन ऑन रोड्स अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो, और साथ साथ गिव अवेज भी करने पड़ेंगे। जी हाँ, मुझे पता है गिव अवेज बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट गिव अवे के पीछे बहुत ज़्यादा लोग भागते हैं। जितना ज़्यादा आप गिव अवे करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रांड का रीच होगा। तो इसलिए गिव अवेज आर इंडीड इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ ब्रांड पॉपुलर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले सिक्योरिटी अपडेट्स क्वार्टरली देने पड़ेंगे, और सबसे पहले एक फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि बोल देते हैं हम क्वार्टरली अपडेट देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे 6-7 महीने हो जा रहे फिर भी अपडेट्स नहीं आ रहे। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं, ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहिए। अगर अपडेट नहीं दे सकते तो कुछ प्रॉमिस ही मत करो, ये बेस्ट है। अगर अपडेट दे सकते हो तो एक प्रॉपर रोड मैप निकाल दो जिसमें मेंशन भी कर दो कि हार्डली 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ इंडियन ब्रांड्स या कोई भी ब्रांड कर देना तो इस तरह से लोगों का एक ट्रस्ट आता है ब्रांड के ऊपर। और उसके बाद है सर्विस सेंटर के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी कॉन्शियस है सर्विस सेंटर के बारे में, इसीलिए आज भी लोग सैमसंग, ओप्पो, वीवो के फ़ोन इतने ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका जो कवरेज है ना ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑफलाइन सर्विस सेंटर हर एक ब्रांड को खोलना पड़ेगा, वेदर इट इज़ ऑनलाइन ब्रांड और ऑफलाइन ब्रांड, क्योंकि फ़ोन तो देखिए किसी का भी ख़राब हो सकता है, तो तभी वो आदमी क्या करेगा। यही एक जगह है जहाँ पे इंडियन ब्रांड्स ना पॉपुलर नहीं हो पा रहे। अभी करंटली 2 इंडियन ब्रांड्स हैं, माइक्रोमैक्स और लावा। माइक्रोमैक्स ने कुछ अच्छे खासे सर्विस सेंटर दिए हैं और मैंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी सुना है माइक्रो सर्विस सेंटर से, तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और लावा के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, लावा के बारे में देखना पड़ेगा वो लोग कैसे काम करते हैं, और उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अगर अभी तक आप जुड़े हैं यहाँ पे और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है क्या करना है यार, सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है। सर्विस सेंटर खोलने के बाद सबसे पहले एक चीज़ जरूर करनी पड़ेगी, वैनिश नहीं हो जाना है। जी हाँ, एक फ़ोन लॉन्च किया, गुम गए, वैनिश हो गए, 3-4 महीने, 4-5 महीने हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए रेडमी रियलमी जैसे ब्रांड्स हर महीने में 3-4 फ़ोन लॉन्च करते हैं, और इंडियन ब्रांड होने के नाते उतना तो बल्क में प्रोड्यूसिंग करना पॉसिबल नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन एक फ़ोन लॉन्च किया, 2 महीने गैप लिया, उसके बाद एक और फ़ोन लॉन्च करो। 2 महीने से ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, क्योंकि देखिए लोगों का डिमांड जितना ज़्यादा है आपको उतना फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इज द की, ये बात हर किसी को जानना चाहिए। पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में फ़ोन लॉन्च करो। वैसे ही 3-4 फोन लॉन्च होने के बाद अपना ग्राफ को स्टडी करो, ये फ़ोन अच्छे से काम किया कि नहीं किया। अगर अच्छा काम किया देन नो वरीज एट ऑल, वेरी गुड।
उसके साथ साथ नेक्स्ट जो इसका जो सक्सेसर आएगा उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा दो। जी हाँ, बहुत बड़ा जंप मत लो, 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ा दो अगर आप एक 15,000 का फ़ोन पहले लॉन्च किए थे तो। तो इसका जो सक्सेसर होगा वो 17,000 का हो जाएगा और प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस भी 17,000 रिस्पेक्ट में ही फ़ोन रखो। इसकी तरह से सक्सेसर जैसे ही लॉन्च करके थोड़ा प्राइस बढ़ाते जाओ, ऐसे करके ही अपना जो एक प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको आगे बढ़ाते जाओ। ये वन प्लस का स्ट्रैटेजी था, वन प्लस ने शुरू किया था 25,000 से और अभी वो लोग चले गए 70,000। तो ऐसे ही काफ़ी ग्रो कर सकते हैं एक नया ब्रांड जो ज़्यादा फ़ोन्स लॉन्च नहीं करता। और अगर ये जो मैंने प्रोसेस बताया, मतलब अगर आपने फर्स्ट 3-4 फोन्स अच्छे नहीं चले तो आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, मतलब अपने फ़ोन के प्राइसिंग को घटाना पड़ेगा। और वो घटाए कैसे, ऑलवेज डाउनग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस आपको देने पड़ेंगे और एक नई बजट सीरीज लॉन्च करनी पड़ेगी उसकी जगह में, तो वो थोड़ा अलग सिचुएशन हो जाता है। लेकिन जनरली अगर इंडियन ब्रांड हुआ तो हर कोई सपोर्ट तो करता ही है। नेक्स्ट, टैगलाइन। एक बहुत अच्छा बोल्ड टैगलाइन चाहिए हर एक ब्रांड को, जैसे कि IQ का है मॉन्स्टर इनसाइड, रियलमी का है डेयर टू लीप, माइक्रोमैक्स का है इन फॉर इंडिया। वैसे ही हर एक ब्रांड का एक बोल्ड टैगलाइन होना चाहिए और फैंस को वही टैगलाइन बार बार बताना चाहिए। इस टैगलाइन की वजह से फैन बेस ज़्यादा बढ़ता है और इसके साथ एक हैशटैग भी ऐड कर देना चाहिए। इसके साथ सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो ये चीज़ हर एक ब्रांड को करनी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं लावा के बारे में। जी हाँ, इतने दिनों से तो लावा काफ़ी ज़्यादा शांत था, लेकिन अचानक से उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपना लावा अग्नि स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन लग रहा है। 5G है, 20,000 है, बहुत बड़ा जंप है। जैसे कि मैंने बताया, लावा ने बजट फोन्स में टेस्ट किया, वो लोग ठीक ठाक चले, ज़्यादा अच्छे चले नहीं, तो अभी वो लोग एक बड़ा कदम ले रहे हैं, अप टू 20,000 चले जा रहे हैं। उसका लीस्ट प्राइसिंग 20,000 है, वो लॉन्च होगा 18-17,000 में, वो बात अलग है, लेकिन आप 20,000 मार्केट ही मान के चलिए, तो उसी प्राइस में अभी देखते हैं लावा कैसा परफॉर्म करेगा। वैसे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, मेरे लिए तो उसकी सपोर्ट 100% रहेगी। जैसे कि वैसे ही फ़ोन लॉन्च होगा, मैं ओपिनियंस वगैरह वीडियो ज़रूर आ जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। लेकिन बात है कि लावा ने जैसे ऐसा शुरुआत किया, हर एक नए ब्रांड को, हर स्पेशली अगर इंडियन ब्रांड हो तो ऐसी रिस्क लेनी ज़रूरी चाहिए। मतलब इन माय ओपिनियन माइक्रोमैक्स पे अगर एक ऐसा जंप ले लिया, 20,000 नहीं, अभी वो लोग 12-13,000 मैक्सिमम जा चुके हैं, लेकिन अगर अचानक से 17-16,000 में आसपास एक फ़ोन लॉन्च कर देना मिड रेंज फ़ोन, क्योंकि माइक्रोमैक्स का ऑलरेडी एक अच्छा खासा रेपुटेशन बन गया है मतलब मार्केट में। ऑब्वियसली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन अगर कुछ निकाल दें, नोट 1 प्रो या नोट 2 प्रो ऐसा कुछ अगर निकाल देना, तो काफ़ी बढ़िया बात होगी। क्योंकि देखिए, लावा ने तो एक अच्छी कमबैक कर ली है, मतलब ऑलमोस्ट करने जा रहा है, लेकिन माइक्रोमैक्स काफ़ी टाइम से शांत रहता है, तो माइक्रोमैक्स को दे नीड टू मूव ऑन। और अभी 2 महीने के अंदर अंदर में एक फ़ोन तो मिनिमम लॉन्च करना ही चाहिए इन माई ओपिनियन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही कुछ फोन्स आपके सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूबर्स को अप्रोच करना है, मतलब पॉपुलर यूट्यूबर्स, हमारे छोटे यूट्यूबर्स नहीं, पॉपुलर यूट्यूबर्स को अप्रोच करके एक फीडबैक लेना है। जैसे कि ज्ञान थेरेपी भाई है, राकेश भाई, वो काफ़ी अच्छा खासा फीडबैक देते हैं, काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लेन भी करते हैं, तो अगर ब्रांड्स उन जैसे यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करें तो अच्छे खासे फीडबैक मिल पाएंगे उनको। इनफैक्ट मेरे से भी अच्छे फीडबैक्स आपको मिल पाएंगे, वो बात अलग है। फीडबैक्स और गलतियों से ही एक ब्रांड और या एक आदमी सीख सकता है, तो इसी तरह से इम्प्रूवमेंट के स्कोप तो हर एक चीज़ में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आप एक सक्सेसर लॉन्च करेंगे या एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे, अपने डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आजकल मैक्सिमम ब्रांड सेम डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़े बहुत यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, वहाँ पे एक डिज़ाइन, एक लेआउट चेंज कर दिया, वैसे एक फ़ोन लॉन्च हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले एक इनोवेशन जैसी चीज़ होती थी यहाँ पे, कितना ज़्यादा मतलब हर एक फ़ोन अलग दिखता था। आजकल अगर आप रियलमी के फ़ोन उठा के देखेंगे ना, हर एक फ़ोन ऑलमोस्ट सेम दिखता है, ऑलमोस्ट रियलमी के सी सीरीज़ हर एक फ़ोन से, मैं रियलमी के नंबर सीरीज़, रियलमी के X7 सीरीज़, हर एक फ़ोन सब कुछ सेम लगता है, वैसे काफ़ी बोरिंग बन जाता है डिज़ाइन। और वैसे माइक्रोमैक्स की बात की जाए तो इन वन था एकदम सेम फोन था, इन 1 भी इन 2 भी बिल्कुल सेम दिखते थे, तो थोड़े बहुत अपडेट्स तो लाने पड़ेंगे इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट है, गो विद द ट्रेंड, ट्राई टू अडॉप्ट ब्रांड न्यू प्रोसेस। जैसे कि एक कंपनी लॉन्च करेंगी, लेट मी टेक एन एग्जांपल विथ रियलमी। रियलमी ने क्या था, अपने नार्जो 30 में रियलमी G95 को यूज़ किया, मीडियाटेक हेलियो G95। उसके कुछ ही दिनों बाद मीडियाटेक ने अनाउंस कर दिया मीडियाटेक हेलियो G96। इमीडिएटली रियलमी ने रियलमी 8i लॉन्च कर दिया विद द सेम प्रोसेसर। अब G95 और G96 में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं, इनफैक्ट रियल लाइफ में तो आप डिफरेंस निकाल तक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस है। सिर्फ एक बात हो जाती है, क्योंकि G96 तो हल्का सा ज़्यादा ओवरक्लॉक्ड है शायद, तो वही एक डिफरेंस बन जाता है। ऐसे ही क्वालकॉम भी काफ़ी प्रोसेसर लॉन्च करता है, मतलब 480 से 480 प्लस, 888 से 888 प्लस, तो ये थोड़े डिफरेंस बन जाते हैं। तो हर एक ब्रांड को भी इस तरह से प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब सपोज एक ब्रांड का प्लानिंग था G95 यूज़ करने के लिए, तो जैसे G96 लॉन्च हो चुका है तो G96 ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट है। अगर डिफरेंस हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, ब्रांडिंग मैटर्स। क्योंकि जैसे ही आप G96 यूज़ कर रहे हैं, एक प्रमोशन सा बन जाता है, वर्ल्ड्स सेकेंड फोन टू यूज़ द हेलियो G96, ऐसा एक हाइप जैसा बन जाता है। तो ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो आप मेरे बात को समझ पाएंगे। और जैसे ही एक ब्रांड
ऐसे कुछ चीज़ लॉन्च करेंगे ना तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, क्योंकि देखिए गोइंग विद द ट्रेंड, इंडियन ब्रांड है, इतना अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट बनता है, ऐसे टाइप के लोगों के मन में फीलिंग्स सब आ जाएंगे। उसके बाद एक काम करना पड़ेगा कि फ्री सर्विस देने पड़ेंगे, जैसे कि IQ ने शुरू किया, IQ सर्विस डे वीवो के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने किया था कि फ्री में आपके फ़ोन को क्लीन करेगा, फ्री में सॉफ्टवेयर अपडेट, फ्री में बैक कवर, ये सब चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक कस्टमर ने खरीदा IQ का फ़ोन, उसके बाद उन्होंने देखा इतना अच्छा खासा सर्विस मिल रहा है, तो वो क्या बोलेगा अपने दोस्त को, देखो मैंने IQ का फ़ोन लिया, ये मुझे सर्विस दे रहा फ्री में, कितना अच्छा फ़ोन है। और उस दोस्त को क्या रहेगा, यार सच में तो कितना अच्छा काम कर रहा है IQ, तो मेरा नेक्स्ट फ़ोन IQ ही होने वाला है। इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो बहुत तरक्की कर सकते हैं हर एक ब्रांड। उसके बाद लास्ट अपडेट है, अपना कस्टमर फीडबैक सपोर्ट एक पेज लाना चाहिए हर एक ब्रांड को, ये मैक्सिमम ब्रांड्स करते भी है, लेकिन एक ब्रांड है कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना या फिर इग्नोर नहीं करना है। अगर वो ट्रोल ना हो तो, अगर वो बेसिक क्रिटिसिज्म हो, मतलब अगर आपके फ़ोन में या कुछ डिवाइस में डिफेक्ट है तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करो, प्रॉपरली एड्रेस करके अपनी मिस्टेक्स को समझो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया, यूट्यूबर से फीडबैक तो लेना पड़ेगा, लेकिन जब नॉर्मल ऑडियंस भी आपको सोशल मीडिया वगैरह पर टैग करके बोलेंगे तो आपको एक प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा, एक बॉट रिप्लाई नहीं, सॉरी वगैरह नहीं, एक प्रॉपर रिप्लाई विद सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उनसे आप एड्रेस मांगिए, आप एक पिकअप सर्विस या ऐसा कुछ एक ब्रांड को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन वैल्यू मैटर करता है, और कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई ओपिनियन। और फाइनली यही थे वो पॉइंट्स, अगर यही पॉइंट्स एक नया ब्रांड फॉलो करें ना तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ईजिली वो ब्रांड आगे जा सकता है। आपको क्या लगता है इन पॉइंट्स के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और शायद और भी 100 से 200 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप तो ज़रूर बता ही सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।